ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस आज के इस एपिसोड में मेरे पास है आपके लिए अगली मंडे नाइट रॉ, अगली स्मैकडाउन लाइव और WWE के रिटर्न को लेकर अपडेट, जहां बात करेंगे सेथ रॉलिंस के ओपन चैलेंज को, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रॉ ब्रांड के एक सुपरस्टार ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा स्मैकडाउन लाइव का एक बड़ा सुपरस्टार जो कि हमें अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में देखने को नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन लाइव के एक सुपरस्टार के बारे में जो कि नहीं होंगे अगली स्मैकडाउन लाइव की टीवी टेपिंग्स पर, और वह है फॉर्मर स्मैकडाउन लाइव की वुमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर। क्योंकि एक स्मैकडाउन लाइव के हाउस शो के दौरान उनके दांत में जब मार दिया था कार्मेला ने, तो उनका दांत टूट गया था और उसके चलते उन्हें वापस घर आना पड़ा और उनकी डेंटल जो भी सर्जरी हुई, और इसके चलते अगली स्मैकडाउन लाइव शार्लेट फ्लेयर मिस करने वाली। तो अगर आप लोग शार्लेट फ्लेयर के लिए स्मैकडाउन लाइव देखते हैं तो भैया आपको अगली स्मैकडाउन लाइव के लिए पूरी तरह से निराश होना पड़ सकता है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है WWE के रिटर्न को लेकर, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं निकी बेला है। तो निकी बेला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वाली फोटो पोस्ट करी, तो वहाँ पर उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी ऐसा हिंट दिया, ऐसा टीज किया कि हमें बहुत जल्दी उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली मंडे नाइट रॉ की। तो भी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में कहा था कि सेथ रॉलिंस ने एक ओपन चैलेंज रखा है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वाली पोस्ट करी थी जहां उन्होंने कहा था कि वो अगली रॉ के एपिसोड में फिर से ओपन चैलेंज के लिए किसी भी सुपरस्टार को चैलेंज करते हैं। तो इसके बाद केविन ओवंस की हमें एक वीडियो देखने को मिली जो कि WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करी। वहां पर हमें केविन ओवंस पहले तो सेथ रॉलिंस का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने बात करी सेथ रॉलिंस की, उसी ट्वीट की, उन्होंने कैच फ्रेज बर्न इट डाउन और आर्किटेक्ट का मजाक उड़ाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगली रॉ के एपिसोड में मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो इस समय ये बात यहाँ पर साफ होती है कि अगली रॉ के एपिसोड में हमें केविन ओवंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। तो गाइस यदि WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स इस छोटी सी वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस के मैच में आपको क्या लगता है कि कौन से सुपरस्टार की यहाँ पर जीत होगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। So see you guys in my next video.